भारत में एक तरफ जहां स्पाइस जेट जैसी एयरलाइन संकट से गुजर रही है, गोफर्स्ट और जेट एयरवेज जमी दोज हो चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर अकासा जैसी नई एयरलाइंस के सफल होने के बाद अब एक और नई एयरलाइन अपने पंख फैलाने की तैयारी कर रही है। शंख एयर को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से देश में अपना परिचालन शुरू करने के लिए मंजूरी मिल गई है। अब शंख एयर को अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए DGCA से अनुमति लेनी होगी। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली शेड्यूल एयरलाइन बनने के लिए तैयार है। इसका हब लखनऊ और नोएडा में होगा। शंख एयर का लक्ष्य भारत के प्रमुख शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना है। शंख एयर उन एरियाज में ज्यादा फोकस करेगी जहां डिमांड बहुत हाई है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट के ऑप्शन लिमिटेड है। शंख एयर को एविएशन मिनिस्टर से मिली NOC 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले शंख एयर को FDI, सेवी आदि से भी अनुमति लेनी होगी। नई एयरलाइन के शुरू होने से क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वर्तमान में यहाँ लिमिटेड एयर ट्रैवल ऑप्शंस हैं। नए एयरलाइन के आने से पूरे देश में रीजनल कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी। कोविड महामारी के बाद लोगों के खर्च करने के जो तरीके हैं उसमें उल्लेखनीय बदलाव आया है, जो हवाई यात्रा के लिए भारतीयों के बढ़ते रुझान को बताता है। क्रिसील के मुताबिक बढ़ती खर्च योग्य आय, एयरपोर्ट की बढ़ती संख्या और बेहतर होती एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी के कारण हवाई यातायात लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत में एक और नई एयरलाइन शुरू हो रही है। एयरलाइन कंसल्टेंट फर्म CAPA इंडिया के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश में एयर पैसेंजर्स ट्रैफिक में 15% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष में घरेलू हवाई यातायात में 6-8% की वृद्धि होने का अनुमान है। इसके साथ ही 16.4 करोड़ पैसेंजर तक पहुंच जाएगा। इसी तरह इंटरनेशनल ट्रैफिक भी 9-11% की वृद्धि के साथ बढ़ने की उम्मीद है। ये मार्च 2025 तक 7.8 करोड़ पैसेंजर्स तक पहुंच जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसील के मुताबिक 2027-2028 तक देश में आधे से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात इंडियन एयरलाइंस के पास होगा। अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में इंडियन एयरलाइंस की हिस्सेदारी करीब 43% है। इंडियन एयरलाइंस अपने फ्लीट में नए विमानों को शामिल कर रही है और नए इंटरनेशनल रूट्स को जोड़ रही है। डोमेस्टिक सेगमेंट की कंपैरिजन में इंटरनेशनल ट्रैफिक ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, इसलिए भारतीय कंपनी अब इंटरनेशनल ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दे रही है। देश में एयरलाइन बिजनेस आसान नहीं है। पिछले एक दशक में कई हाई प्रोफाइल एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। इसमें किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज और गो फर्स्ट शामिल है। वहीं इसके अलावा स्पाइस जेट भी अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि नई एयरलाइन शंख एयर आसमान में कितनी देर तक उड़ती है। आपका क्या कहना है इस नई एयरलाइन के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस से अपडेट रहने के लिए मणि9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।